नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस जैसी हम डेली करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बिकॉज जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही मैं जो है ये वीडियो बनाता हूं और ऑप्शन ट्रेडर्स को ही ये लेवल निकाल कर देता हूं और मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कैसा दिन रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी का आज देखिए हाई जो लगा हुआ है वो हाई लगा है 24,373 का, जो इसका लो लगा हुआ है 26,001 का, क्लोजिंग 26,316 की आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर जो आज हमको देखने को मिला, स्टार्टिंग में मैंने आपको आज टेलीग्राम चैनल में ही बताया था कि एक गैप अप ओपनिंग यहां पर अपने को देखने को मिल सकती है। तो नियर अबाउट 400 पॉइंट्स प्लस जो है यहां पर गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आइए देखते हैं मार्केट में किस तरह से मूव रही, क्या हुआ मार्केट में। वैसे तो मैंने आपको टाइम टू टाइम जो है मार्केट में अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के थ्रू किया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहता हूं कि निफ्टी में अभी कौन सा चार्ट बन रहा है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं। मैं आपको लेवल ड्रॉ करके वहां पर पोस्ट करते रहता हूं, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है ट्रेड का, मैं कौन से ट्रेड लेने जा रहा हूं, मैंने कौन से ट्रेड किए, किसमें प्रॉफिट बुक किया, किसमें स्टॉप लॉस हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताता हूं। तो चलिए देखिए मार्केट यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट जो है हायर लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन ना करने के बाद ये देखिए यहां पर एक बीरिश कैंडल बनी, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा हुआ है, दूसरी कैंडल जो है इस कैंडल का जो है लो ब्रेक कर दिया था। तो यहां पर फाइनली देखिए हमने जो है ट्रेड देखिए यहां पर बनाया था, एक यहां पर बहुत सिंपल सा ये ट्रेड था। देखिए यहां पर एक रेंज बन गई थी, रेंज बनने के बाद जो है जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो हमने यहां पर एक ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैंने जो ट्रेड लिया था मैं आपको बताता हूं, मैंने ट्रेड लिया था ये यहां पर, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी मैंने वैसे ही अपना ट्रेड बना लिया था। देखिए मैं चार्ट बड़ा कर देता हूं, आपको समझ में आएगा किस तरह से मैं ट्रेड करता हूं, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए जैसे ही यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो मैंने यहां पर जो है ट्रेड बना लिया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है काफी नीचे आएगा, क्योंकि 400 पॉइंट्स का जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप भरने के लिए जो है गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। बट यहां पर जो है मतलब थोड़ा देखिए यहां जहां पे ब्रेक हुआ 26,150 के लेवल पर ब्रेक हुआ और इसने जो लो लगाया वो नियर अबाउट 26,000 का लगाया। तो यहां पर हमने जो है मतलब कुछ प्रॉफिट यहां पर अपना बुक कर लिया था, ट्रेड हमने जो है ग्रीन में ही क्लोज किया। देखिए उसके बाद क्या हुआ मार्केट में आज, देखिए वैसे कहा जाए तो आज ऑप्शन राइटर का डे था, ऑप्शन राइटर ने यहां पर पैसे अच्छे बनाए हैं। मैंने खुद यहां पर जो है कॉल शॉर्ट करी थी, जो फर्स्ट ट्रेड मैंने करा था वो मैंने कॉल ही शॉर्ट करी थी, यहां पर मैंने ऑप्शन राइटिंग ही करी थी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहां पर लो बनाने के बाद मार्केट फिर उसी रेंज में आ गया। ये देखिए मार्केट फिर उसी रेंज में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर एक्सटेंड कर लूं तो ये देखिए आपको जो है ये देखिए पर्टिकुलर आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए फाइनली जब यहां पर एक, अगर मैं इसको 2 मिनट का चार्ट करूंगा फिर आपको पता चलेगा। वैसे जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल कंटिन्यू वॉच करते हैं उनको मैंने आज एक पैटर्न बनाकर दिया था। यहां पर हम अगर देखेंगे तो इस तरह से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा था। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको यहां पर चलिए मैं बना के बता देता हूं, तो आपको चीजें देखिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, यहां पर अगर आप जाएंगे 2 मिनट के चार्ट में तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। इस तरह से देखिए यहां पर जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ था। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होने के बाद देखिए हम इसका टारगेट किस तरह से निकालते हैं। ये जो इसके बीच की जो विथ होती है, तो इसके बीच की विथ जो है 170 पॉइंट्स की आ रही थी, तो ये लेवल जो ब्रेक हुआ था वो 26,180 था और 26,190 पर जो है लेवल ब्रेक हो चुका था। तो वहां से हमारा देखिए 170 पॉइंट्स का जो है टारगेट निकल के आ रहा था। तो 170 पॉइंट्स यहां पर मार्केट जो है वो 183 पॉइंट ऊपर गई थी, 183 पॉइंट्स, और 170 पॉइंट्स का टारगेट जो है हमने बहुत इजिली वहां पर बुक कर लिया था। ठीक है, तो देखिए मार्केट में आज बायर्स लोगों को तो बिल्कुल कोई खास चांस नहीं मिला, यहां पर तो आज ऑप्शन राइटर्स का ही डे था। बट हमने जो है देखिए 5 ट्रेड लिए थे, 5 ट्रेड में हमने जो है 3 ऑप्शन बाइंग के ट्रेड लिए थे और 2 ऑप्शन राइटिंग करी थी और 1 ऑप्शन बाइंग। तो देखिए आप इस तरह के मार्केट में आप जो है एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट देखिए हमने जो है 1 ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग को जो है हमारी वो डबल हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डबल भी आज हुआ है, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा बट ऐसी मार्केट में आज ऑप्शन डबल भी हुआ है। चलिए ठीक है, जैसा मैंने देखिए कल आपको बता दिया था कि मतलब हमारा जो आज का टारगेट होने वाला है, अगर आज के
कल के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमारा टारगेट जो था वो 26,000, 26,200 और 26,350 से 400 के बीच में था। ठीक है, तो देखिए जब मार्केट यहां पर ओपन हुई थी तो ओपन होने के बाद वहां पर मैंने आपको बताया कि हाँ हमारे ऑलरेडी दो टारगेट अचीव हो चुके थे, 26,000 और 26,200 के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके थे। सो यहां पर जो है बाइंग करना यहां पर सही नहीं होता, अगर बाइंग करते तो हम यहां पर ट्रैप हो सकते थे, सो इसलिए मैंने यहां पर कॉल शॉर्ट करी थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखिए कंटिन्यू, अगर आप देखेंगे ये देखिए कंटिन्यू जो है एक यहां पर ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करी है। अब इसको आप ध्यान से जरा देखिएगा, कंटिन्यू ये देखिए अब इस ट्रेंड लाइन पर ही कंटिन्यू अपना जो सपोर्ट लेकर ऊपर निकलता रहा। ये देखिए फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर निकला, ये सेकंड टाइम हो गया, यहां थर्ड टाइम बाउंस बैक हुआ, यहां फोर्थ टाइम बाउंस बैक हुआ, फिफ्थ टाइम बाउंस बैक हुआ, सिक्स्थ टाइम बाउंस बैक हुआ। तो देखिए जो है छह बार यहां से बाउंस बैक यहां पर जो है आज बैंक निफ्टी ने किया। अब देखिए मैं कल के लिए जो हम बात करेंगे कि कल के लिए हमको क्या करना है और हमारा कल का टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरह से हमने काम करना है, तो मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर देता हूं और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जो है बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत मैं मतलब अच्छी आपको आज मैं अच्छा लेवल बताने जा रहा हूं। तो इस तरह से ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक जो ये गैप अप ओपन हुआ है सबसे पहले हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अब यहां पर मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा कि एक गैप अप का बताऊंगा, एक गैप डाउन का बताऊंगा और जो है एक फ्लैट का बताऊंगा। ये मैं ट्रेड प्लान आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से हम कल मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट ओपन होती है, देखिए अभी जो है मतलब 26,300 के नियर अबाउट ये ट्रेड क्लोज हुआ है, तो अगर 320, 325, 340 के आसपास क्लोज होती है तो लेट इट ब्रेक, इसको ब्रेक होने दीजिए। ब्रेक होने के बाद एक एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल यहां पर क्लोज हो लेने दीजिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो ये जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये जो सपोर्ट है आपका ये 26,200 का लेवल है, ये 26,200 के नीचे जैसे ही कैंडल निकलती है 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,030 का, दूसरा टारगेट हमारा यहां पर रहेगा 26,850 का और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 26,700 का। एक बार दोबारा सुन लीजिए, अगर यहां पर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखिए मैं तो मतलब कब शॉर्ट करूंगा कब क्या करूंगा वो तो चीजें आपको टेलीग्राम में पता चली जाती है, मैं आपको बता ही देता हूं, कई बार मैं अपने ट्रेड की स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बाद आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप सेफ यहां पर चलना चाहते हैं तो आप 26,200 के नीचे जब क्लोजिंग आती है तब इसको शॉर्ट करिए। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,030 का, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 25,850 का और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 25,700 का। तो ये तीन टारगेट हमारे जो है लो साइड जाने के बाद है। अब दूसरे सिनेरियो में देखिए क्या हो सकता है, दूसरे सिनेरियो मान लीजिए मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है और मार्केट कोई गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन जैसे आज 300-400 पॉइंट्स की जो है आज गैप अप ओपन हुआ, वैसे मान लीजिए अगर 300-400 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है और मार्केट आपको कहीं इस लेवल के आसपास मिलता है 25,800 के आसपास मिलता है तो ये ध्यान रखिएगा एक सपोर्ट जोन है, यहां से जो है मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। अगर आपको यहां पर भी मिलता है आज की जो क्लोजिंग जो आज लो लगा हुआ है 26,010 का वहां उसके आसपास मिलता है तो ध्यान रखिएगा यहां से भी जो है बाउंस बैक हो सकता है ये लेवल, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर भी आपको मार्केट मिलती है 26,010, 26,015, 20, 25, 50 के आसपास भी मिलती है तो यहां से भी बाउंस बैक हो सकता है। ये मैं गैप डाउन के सिनेरियो में बता रहा हूं और गैप डाउन अगर बड़ा होता है तो आपको जो है यहां से जो है देखिए ये जो लेवल है 26,750 के नियर अबाउट यहां से भी बाउंस बैक हो सकता है। देखिए अब मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, अभी मैंने आपको गैप डाउन ओपनिंग का बता दिया, अभी मैं आपको गैप अप ओपन का बता देता हूं। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं यहां पर 1 डे का चार्ट यहां पर आपको लगा के समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे पास देखिए हमारे अगले टारगेट क्या होने वाले हैं। गैप अप ओपनिंग में हमारे जो है मान लीजिए अगर आज का हाई क्रॉस करता है, आज का हाई क्रॉस करने के बाद आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, कम से कम एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए उसके बाद ऊपर साइड में जाइएगा क्योंकि मार्केट अभी जो है एक रेजिस्टेंस के आसपास घूम रही है। सो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है 4 दिन से कंटिन्यू है एक अप मूव, ये देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, चौथा दिन था जब 4 दिन से कंटिन्यू मार्केट जो है एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, मार्केट जो है कुछ रिट्रेस हो सकती है। तो अगर आज के हाई को ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन जो है वहां परफॉर्म करता है
तो वहां पर हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,480 का, दूसरा टारगेट रहेगा 24,640 का और तीसरा टारगेट रहेगा 25,920 का। अब मैंने लास्ट ये देखिए 25,920, सबसे पहले तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, वनडे का चार्ट है ये। अब मार्केट यहां पर एक चैनल में चल रहा है, ये देखिए ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो ये एक चैनल में चल रहा है और ऊपर का जो लास्ट हमारा जो टारगेट यहां पर दिखाई दे रहा है वो टारगेट दिखाई दे रहा है 25,950 से 26,000 तक। तो ये हमारे लास्ट टारगेट है, यहां जाने के बाद मार्केट जो है 90-95% यहां से जो है रिवर्स हो सकता है। जब ये ऊपर का चैनल ब्रेक होगा तो आप समझ लीजिए एक यहां पर बूम मचेगा, बहुत तगड़ा यहां पर बहुत जबरदस्त एक मूव आने वाली है ये ऊपर का चैनल ब्रेक होने के बाद। तो इसको जो है अपने रडार पर रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट टारगेट होने वाला है 25,950 से 26,000 का। तो अब मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, उम्मीद है कि मतलब आप जो है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आइए अब हम बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न जो है एक्सिस बैंक ने बनाया हुआ है, डबल टॉप पैटर्न का जैसे ये हाई ब्रेक करेगा तो हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए जो कल का हाई था वो हाई लगा था 533 रुपए का, तो आज फाइनली देखिए उस हाई को ब्रेक किया और मार्केट ने 542 रुपए का हाई लगाया। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक देखिए जैसा मैंने आपको बताया हुआ है यहां ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो यहां तक मार्केट जा सकता है, हम इसको यहां से ट्रेड कर रहे हैं जब यहां पर हैमर कैंडल बनी थी, आपको याद होगा हमने इसको यहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, आपको मैंने यहां पर ड्रॉ करके बताया था। तो ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे हैमर कैंडल जब बनी थी तो यहां से हमने इसको ट्रेड करना स्टार्ट किया था और कंटिन्यू अभी जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, यहां पर 325 के आसपास जो है बंधन बैंक का रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहां से जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 46 का। अब जब 46 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब इसको ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है इतने जो है मतलब 46-50-100 रुपए के स्टॉक को ट्रेड नहीं करता हूं, आप भी इसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी ये देखिए यहां पर एक जो है ये रेंज में काम कर रहा था, यहां पर देखिए 1250 का लेवल इसके लिए जो रेजिस्टेंस था और फाइनली 1250 का यहां पर देखिए लेवल टूटा और 1250 के बाद जैसा मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था कि 12 जैसी हाई यहां पर निकालता है 1250 का, परसों का जो हाई लगा हुआ था वो हाई लगा था 1250 का, तो जैसे ही 1250 का हाई निकालता है तो आप यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। पोजिशनल भी आप इसमें जो है अपना ट्रेड ले सकते हैं। देखिए आप चाहे इंट्राडे कर रहे हैं चाहे पोजिशनल कर रहे हैं, आप जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करिए, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करिए, ठीक है। और अगर देखिए आप लोगों ने अभी देखिए मैं जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में मैं जो है आपको समझ लीजिए एक आपको हिंट देता रहता हूं कि मार्केट अभी किस तरफ जा सकती है, टोटल उस टाइम पर उस सिचुएशन में चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट किस दिशा में जा सकता है, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो सारे चार्ट में आपको जो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं। सो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहां से जो है लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडर नहीं भी हैं तो भी जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप जो है ये चार्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए अभी मैंने आपको इसमें बता के रखा हुआ है 445 और 446, इसका जो हाई लगा है 446, अब इसको जो है 450 के ऊपर क्लोज हो लेने दीजिए, 450 के ऊपर की क्लोजिंग जो है इसको 475 और 500 तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक में कुछ नहीं करना है अभी। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिए जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ था तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो 650 का लेवल था और 650 के लेवल के बाद जो है 680 के बाद आपको बाइंग के लिए मैंने बताया था हमारा टारगेट 710 का था, तो आज फाइनली देखिए इसने जो है 727 का जो है हाई लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। तो फाइनली देखिए मैं आपको कितने दिनों से बता रहा था कि जैसे ही 605 का लेवल ब्रेक होता है इसके ऊपर क्लोजिंग आती है आप इसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं और आप जो है इसको इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए फाइनली 605 ब्रेक होने के बाद आज जो इसका हाई लगा है उस 1605 ब्रेक होने के बाद जो इसका हाई लगा है 1680 का लगा है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने इसमें पोजिशन बनाई होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैं नहीं देखता हूं। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है अभी, तो इसको रेजिस्टेंस लेवल अभी क्रॉस होने दीजिए, एक कैंडल की क्लोजिंग कम से कम इसके ऊपर आने दीजिए। अभी देखिए इसका जो यहां पर हाई हमको दिखाई दे रहा है वो 188 पॉइंट
188.85 का है, तो यहां पर 190 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए। इसका अगला टारगेट जो होगा वो अगला टारगेट 200 और 215 का होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, मैंने आपको यहां पर बताया था रेजिस्टेंस के बाद जो है हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, और जो कल का हाई यहां पर लगा था 221 का, 221 के ऊपर जैसे मार्केट निकलती है तो आप इसमें जो है इंट्राडे ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो यहां पर फाइनली आज मार्केट काफी गैप अप ओपन हुआ एसबीआई बैंक, बट यहां पर देखिए गैप अप होने के बाद जो है मतलब इसका जो लो लगा है 214 का और हाई 221 का लगा है। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ इंट्राडे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको डेली हमारे साथ कॉल चाहिए, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इंट्राडे सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको एक स्पेशल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। वहां स्पेशल ग्रुप में मैं कॉल देता हूं, वो कॉल देता हूं जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं, जो मैं खुद ट्रेड करता हूं। देखिए, जो मैं कॉल खुद ट्रेड करता हूं वह मैं अपने ऑप्शन बैच के स्टूडेंट्स को वो कॉल मैं डेली देता हूं, और वहां से कॉल मैं जो है अपने स्पेशल ग्रुप में भी देता हूं जिन्होंने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है। चलिए, बाकी जो है ट्रेड यहां पर देखिए, कल का दिन जो है मतलब एक बाइंग साइड में थोड़ा मतलब ध्यान से ट्रेड करिएगा। बाइंग साइड में ऊपर जो है अभी हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि चार दिन ऑलरेडी बैंक निफ्टी में काफी अच्छी मूव हो चुकी है चार दिन से, तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिए।